नमस्कार, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसको पढ़ रहे हैं और उसमें पहली यूनिट चल रही है। उसमें अब तक हमने समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और इसका क्षेत्र, स्कोप, इन चीज़ों को पढ़ा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टेक्स्ट बुक हमने रेफ़र की थी, बताई थी, प्रोफेसर एम एल गुप्ता एंड डी डी शर्मा की साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांत और भारतीय समाज, दोनों अच्छी पुस्तकें, अच्छी टेक्स्ट बुक हैं। इसके अलावा अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स भी बताई थी आपको। समाजशास्त्र के सिद्धांत और अवधारणाएँ प्रोफेसर जे पी शर्मा की पुस्तक है, और दूसरी भारत में समाज मोतीलाल गुप्ता की पुस्तक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है। दोनों बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अच्छी पुस्तक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। और समाजशास्त्र विषय को जिनको अच्छे ढंग से समझना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, उनके लिए किताबें बहुत अच्छी हैं और उनको इन किताबों से पढ़ना चाहिए। इन किताबों के बारे में मैंने बताया था, तो उम्मीद है भी आप नियमित रूप से हमारी वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक है या रेफरेंस बुक्स हैं इनसे भी पढ़ रहे होंगे, और पिछले सालों के पेपर्स हैं, सिलेबस है, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं पहले कि सामाजिक विज्ञान जो है वो समाज और समाज से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं, इसलिए उनको हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। पद्धति और प्रयोगशाला, परिप्रेक्ष्य को लेकर काफ़ी अंतर सामाजिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों में हम देखते हैं। यहाँ हम समाजशास्त्र का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ संबंध देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग और विशिष्ट क्यों है। समाज बहुत व्यापक अवधारणा है, समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यापक अमूर्त व्यवस्था है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए हम इसे अमूर्त कहते हैं। लेकिन एक जटिल व्यवस्था है जिसके अंदर कई उपव्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक उपव्यवस्था, आर्थिक उपव्यवस्था, धार्मिक उपव्यवस्था, शैक्षणिक उपव्यवस्था, इस तरह की बहुत सारी उपव्यवस्थाएं हैं जो इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर समाहित हैं। समाज से बाहर कुछ भी नहीं है, व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है, समाज के कारण ही व्यक्तियों का अस्तित्व होता है। व्यक्ति और समाज परस्पर अंतर्निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो समाजशास्त्र का भूमिका यहाँ पर अलग और विशिष्ट हो जाती है अन्य सामाजिक विज्ञानों से। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं, किस दृष्टिकोण से करते हैं, और समाजशास्त्र समाज के किन पहलुओं का अध्ययन करता है, किस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ये हम जानते हैं कि समाज में एक जटिल व्यवस्था है, इसमें बहुत सारी उपव्यवस्थाएं हैं और इस जटिल व्यवस्था का अध्ययन किसी एक सामाजिक विज्ञान से संभव नहीं है, इसलिए अलग अलग सामाजिक विज्ञान है और वो समाज और समाज से जुड़ी प्रगटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। इस कारण हम उनको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं और समाज की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध पांच विषयों से तुलना के आधार पर समझाया गया है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, मानवशास्त्र और मनोविज्ञान, इन पांच विषयों के संदर्भ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र का इन सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र इन सामाजिक विज्ञानों को क्या देता है, इन सामाजिक विज्ञानों से समाजशास्त्र क्या लेता है, और आखिर समाजशास्त्र के इन सामाजिक विज्ञानों के साथ किस तरह का संबंध है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी विषय होता है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, सामाजिक यथार्थ है, सामाजिक वास्तविकता है, उसकी समग्र व्याख्या किसी एक सामाजिक विज्ञान से संभव नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रकृति का अध्ययन किसी एक प्राकृतिक विज्ञान से संभव नहीं है, हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान अलग विषय है, भौतिक विज्ञान अलग विषय है,
वनस्पति विज्ञान अलग विषय है, प्राणी विज्ञान अलग विषय है, गणित विज्ञान अलग विषय है, पृथ्वी विज्ञान अलग विषय है। तो उन्हें प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का वैज्ञानिक पद्धति से विशिष्ट दृष्टिकोण और पद्धति के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसी तरह समाज के भी जो अलग अलग पेड़ हैं उनका सामाजिक विज्ञान अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग पद्धति, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करते हैं। आजकल सामाजिक विज्ञानों में हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, अंतर्वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी घटना है, किसी भी घटना का समग्र सर्वशास्त्रीय या सर्वपक्षीय अध्ययन करना, विभिन्न सामाजिक विज्ञान मिलकर किसी एक सामाजिक परिघटना का अध्ययन करते हैं तो उसे अंतर्वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान है वो एक व्यापक विषय, समाज और समाज से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, उनका दृष्टिकोण होता है वो विशिष्ट होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर होता है उनमें विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में काफ़ी आदान प्रदान होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की। समाजशास्त्र के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाला विषय है, और ये है समाजशास्त्र का समग्र और सामान्य अध्ययन करता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्र का जो स्वरूप है उसको लेकर अलग अलग व्याख्याएं दी है, और समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय दो संप्रदाय हैं, फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। लेकिन निष्कर्ष जो निकल कर आता है उसमें हम ये जान पाए कि समाजशास्त्र जो है वो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करता है, इसका परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रीय है, और ये वैज्ञानिक पद्धति से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। अब अर्थशास्त्र के साथ इसकी जहाँ तक तुलना की बात है तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो समाज की आर्थिक क्रियाओं, वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, इनका अध्ययन करता है, और समाजशास्त्र है वो समाज, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवस्था, इन अवधारणाओं का, प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु जो इन दोनों सामाजिक विज्ञान को जोड़ता है वह है विषय वस्तुओं में कॉमन सब्जेक्ट मैटर, सामान्य पहलुओं का सम्मिलित होना। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, बिंदु होते हैं जिनका दोनों विषयों में अध्ययन किया जाता है, जैसे औद्योगिक समाज है, औद्योगिकीकरण है, लेबर रिफॉर्म्स है, श्रम सुधार है, श्रम कल्याण है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या विस्फोट की समस्याएं हैं, आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक निर्धारक कौन कौन से होते हैं, समाज किस तरह आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करता है, जैसा कि वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये बताया है कि कुछ धर्मों के जो आचार तत्व हैं वो आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं और कुछ धर्मों के तत्व हैं वो आर्थिक क्रियाओं को कम प्रोत्साहित करते हैं या प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो इसी तरह आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक परिणाम भी होते हैं, जिसके बाद कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किए कि उत्पादन की जो व्यवस्था है वही सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करती है, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था तय होती है। उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, उसमें हम यही पढ़ते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक निर्धारक भी होते हैं और आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक परिणाम भी होते हैं। समाज वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो जाने माने जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, गुन्नार मेडल है, उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा है, इनमें हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध को काफ़ी गहराई से देखते हैं, और उन्होंने इन पक्षों को बहुत प्रभावी तरीके से विश्लेषित किया है। और दूसरी जो संबंधों की बात है दोनों विषयों में वो है कि पूरकता, दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। समाजशास्त्र अर्थशास्त्र से कुछ चीज़ें उधार लेता है और उसके आधार पर सामाजिक व्याख्या करता है, समाज की घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। उसी तरह अर्थशास्त्र भी समाजशास्त्र से कुछ चीज़ें लेता है और उसके आधार पर आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक
व्याख्या करता है। मैक्स वेबर का जो अध्ययन है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो ये बताता है कि आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाले सामाजिक कार्य कौन कौन से होते हैं। इसी तरह आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, इसको लेकर कार्ल मार्क्स का जो अध्ययन है रास कैपिटल, वो इस मामले में बेहतर उदाहरण है जिनसे हम समझ सकते हैं कि किस तरह ये एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र है, उनमें संबंध स्थापित होता है, ये आपस में एक दूसरे से विषय वस्तु का आदान प्रदान भी करते हैं और कुछ बिंदु, कुछ टॉपिक, कुछ मुद्दे इस तरह के होते हैं जिनका दोनों विषयों में अध्ययन किया जाता है। इस तरह दोनों जो सामाजिक विज्ञान है वो परस्पर संबंधित है। जहाँ तक बात अंतर की है दोनों विषयों में, तो वो हम तीन क्षेत्रों के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य, किसी भी सामाजिक विज्ञान का अपना एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य होता है। अर्थशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आर्थिक परिप्रेक्ष्य से करता है, और जबकि समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से करता है। दूसरा है विषय वस्तु, अर्थशास्त्र की कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट मैटर है, कॉमन जो टॉपिक है, उनको छोड़कर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है और समाजशास्त्र की बिल्कुल अलग है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाएँ, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रियाएँ, सामाजिक प्रगटनाएँ हैं। और तीसरा जो बिंदु है दोनों सामाजिक विज्ञान में अंतर का, वो पद्धति और क्षेत्र को लेकर है। हर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की अपनी एक विशिष्ट पद्धति होती है, और कुछ जो पद्धतियाँ हैं वो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में कॉमन होती है, जैसे ऐतिहासिक पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है। तो पद्धति और क्षेत्र कि उस विषय में किन किन टॉपिक्स का अध्ययन किया जा सकता है और किस सीमा तक किया जाता है, ये क्षेत्र तय करता है। तो पद्धति और क्षेत्र को लेकर दोनों विषयों अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ पहुँचते हैं कि समाजशास्त्र है जो समाज का समग्र और सामान्य अध्ययन करता है, और जो अर्थशास्त्र है वो समाज के आर्थिक पक्ष का विशिष्ट अध्ययन करता है। तो यह समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध को बताता है। इसी तरह जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनमें भी संबंध को स्थापित करने के लिए हम दो बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं कि पहला कि इनमें समानता क्या है, और दूसरा भी अंतर किस आधार पर होता है। समानता मुख्य रूप से सामान्य विषय वस्तु और पूरकता, इन दो बिंदुओं के आधार पर होती है कि दोनों विषयों में सामान्य विषय वस्तु क्या है, कॉमन सब्जेक्ट मैटर क्या है, और दूसरा आपस में वो किस तरह एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और अंतर के तीन बिंदु हैं किन्हीं भी दो सामाजिक विज्ञानों में। पहला परिप्रेक्ष्य, क्योंकि हर सामाजिक विज्ञान का अपना एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य होता है। दूसरा विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, हर सामाजिक विज्ञान की अपनी विशिष्ट विषय वस्तु होती है। और तीसरा होता है पद्धति और क्षेत्र, हर सामाजिक विज्ञान के का अपना निर्धारित विशिष्ट क्षेत्र होता है और एक विशिष्ट पद्धति होती है। तो इनके इस तरह हम दो सामाजिक विज्ञानों में संबंध है उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको बताते हैं। अब चर्चा करते हैं हम समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान हम जानते हैं राजनीतिक संगठन है, शक्ति है, सत्ता है, कानून है, राजनीतिक दल है, सरकार है, प्रशासन है, शासन है, नियम है, राजनीतिक संबंध, इनका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था, इनका वैज्ञानिक पद्धति से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करता है। आखिर अब इनमें संबंध की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था वो समाज की ही एक उपव्यवस्था है, और दूसरा राजनीतिक व्यवहार को सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो यहाँ जो चुनाव होते हैं वो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इनसे प्रभावित होते हैं। तो इस तरह राजनीतिक व्यवहार है वो सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है, और राजनीतिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। हर राजनीतिक दल की अपनी अलग नीतियां, कार्यक्रम होते हैं, और समाज को लेकर वो अपनी नीति कार्यक्रम के अनुसार काम करते हैं। तो इस तरह राजनीतिक व्यवस्था, जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो वह सैन्य शासन व्यवस्था से या राजतंत्र से बिल्कुल अलग होती है, तो वो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इसी तरह राजनीतिक समाजशास्त्र इन दोनों सामाजिक विज्ञानों को जोड़ने की कड़ी के रूप में काम करता है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में हम
राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, इनकी कॉमन विषय वस्तु जो सामान्य विषय वस्तु है उसका अध्ययन करते हैं। मैक्स वेबर है, विल्फ्रेडो पेरेटो है, रॉबर्ट मिचेल्स हैं, इनके अध्ययन हैं वो राजनीति समाजशास्त्र में ही आते हैं, और इन्होंने राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच के संबंध को बहुत बेहतर ढंग से समझे हैं। तो समानता की बात है तो समानता के ये दो बिंदु हैं, और अंतर उन्हीं तीन बिंदुओं के आधार पर होते हैं, परिप्रेक्ष्य, विषय वस्तु और पद्धति क्षेत्र। इनको लेकर समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान में पर्याप्त अंतर ही। तो निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो समाज के राजनीतिक पक्ष का जो विशिष्ट अध्ययन करता है, और समाजशास्त्र समाज का समग्र और सामान्य अध्ययन करता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य वह सामाजिक संबंधों पर बल देता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य वो शक्ति संबंधों पर बल देते हैं। अब चर्चा करते हैं समाजशास्त्र और इतिहास की। इतिहास अतीत का क्रमबद्ध और व्यवस्थित कारणकारी व्याख्याधारित अध्ययन है, और समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक पद्धति से कारणकारी व्याख्याधारित अध्ययन है। तो आखिर इन दोनों में संबंध क्या है? तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि इतिहास जो है वो समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु हमें तथ्य उपलब्ध कराता है, और जो समाजशास्त्र है वो इतिहास को सामाजिक पृष्ठभूमि देता है। जाने माने इतिहासकार अर्नोल्ड जे टॉयनबी ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री और आर एस शर्मा की पुस्तक द एंशिएंट सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें हम समाजशास्त्र और इतिहास के बीच के संबंध को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। इसमें उन्होंने इस चीज़ पर विस्तृत चर्चा की है। जॉन हावर्ड है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। और दूसरा जो बिंदु है जो इतिहास और समाजशास्त्र के बीच इन दोनों सामाजिक विज्ञान को जोड़ता है, कि आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो सामाजिक आर्थिक इतिहास पर बल देते हैं, और ऐतिहासिक अध्ययन में दलित अध्ययन, उपेक्षित वर्ग के अध्ययन, इन सब पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। और दोनों विषयों में अंतर की बात है तो वो परिप्रेक्ष्य, विषय वस्तु, पद्धति और क्षेत्र को लेकर है ही। तो साथ ही इतिहास जो है वो भूतकाल का वर्णन है जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का विश्लेषण है। ऐतिहासिक घटनाओं का हम पुनः परीक्षण नहीं कर सकते जबकि कुछ समाजशास्त्र निष्कर्षों का परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सकता है। तो ऐसे बिंदुओं को लेकर समाजशास्त्र और इतिहास में पर्याप्त अंतर भी है, लेकिन ये बात भी तय है कि इतिहास समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु तथ्य उपलब्ध कराता है, और समाजशास्त्र जो इतिहास को सामाजिक पृष्ठभूमि देता है। इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। जॉन हॉवर्ड के शब्दों में समाजशास्त्र और इतिहास इन दोनों सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध की व्याख्या करने की सबसे जो सटीक लाइन है वह यही है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। इसी तरह समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की हम चर्चा करते हैं। मानव शास्त्र हम जानते हैं कि मानव और संस्कृति की उत्पत्ति, विकास, संरचना, प्रकार, ये इनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। और अब समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में जो संबंध की बात है तो वो ये है कि कुछ विषय वस्तु टॉपिक इस तरह के हैं जिनका मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों में अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव समूह है, संस्कृति है, संस्थाएं, संस्थाओं का विकास है। तो इस तरह समाजशास्त्र मानव शास्त्रीय सामग्री का प्रयोग करता है, और मानव शास्त्र में भी समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मानव शास्त्र ये जो घटनाएं हैं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी की व्यवस्था है, तो उनको समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के माध्यम से ही मानव शास्त्रियों ने समझाया है। दूसरा सामाजिक मानव शास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जोड़ने वाली कड़ी है, जिसमें समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों के जो कॉमन टॉपिक हैं, सामान्य विषय वस्तु है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो दोनों बिंदु हैं इनके आधार पर हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में हम समानता समझ सकते हैं, और समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में परिप्रेक्ष्य, विषय वस्तु और पद्धति और क्षेत्र को लेकर पर्याप्त अंतर भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन अधिक प्रयुक्त किया जाता है अध्ययन पद्धति के रूप में, जबकि समाजशास्त्र में जो ऐतिहासिक पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है, या अन्य तथ्य संकलन के जो प्रविधि हैं उनका अधिक प्रयोग होता है। मानव शास्त्र संस्कृति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, उसकी सेंट्रल थीम संस्कृति है, जबकि समाजशास्त्र की जो सेंट्रल थीम है वो समाज है।
तो इस तरह मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में जो संबंध है और अंतर है उसको हम समझ सकते हैं। सबसे अंतिम जो सामाजिक विज्ञान है जिसके आधार पर हम समाज शास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना को समझ सकते हैं वह है समाज शास्त्र और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान है वो व्यक्तित्व मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है, और समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था सामाजिक प्रक्रियाओं सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है। दोनों में संबंध के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह ये है कि दोनों में कुछ सामान्य विषय वस्तु का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे समाजीकरण है, व्यक्तित्व है, संस्कृति है, जनमत है, भीड़ है। तो ये जो विषय वस्तु है इनका मानव शास्त्र में भी मनोविज्ञान में भी अध्ययन किया जाता है और समाज शास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है। और दूसरा जो बिंदु है जो इनके बीच संबंध को बताता है वह है सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, यानी कि वह समाज शास्त्र और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है जिनमें इन दोनों की जो कॉमन विषय वस्तु है उसका अध्ययन किया जाता है। मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उसकी मानसिक प्रक्रियाओं को उसके व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान एक विशिष्ट विषय है, एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र का ही एक उपभाग है जो इन दोनों के बीच के संबंध को काफ़ी बेहतर ढंग से समझाता है। और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में दूसरे अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह परिप्रेक्ष्य विषय वस्तु और पद्धति और क्षेत्र को लेकर पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, अन्य सामाजिक विज्ञानों को विषय वस्तु तथ्य उपलब्ध कराता है, उनकी विषय वस्तु तथ्यों को समाजशास्त्रीय अध्ययन में प्रयुक्त भी करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञान हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, विशिष्ट हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, इसके बावजूद वो एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें विषय वस्तु और पद्धतियों को लेकर काफ़ी आदान प्रदान होता है। यही कारण है कि आजकल विभिन्न सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन अंतर्वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से किया जाता है। जाने माने समाज वैज्ञानिक एच बेकर एंड एच बार्न्स ने अपनी पुस्तक सोशल थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस उसमें बहुत ही सारगर्भित बात कही है, और उन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के न तो स्वामिनी है और न ही दासी, अपितु उनकी छोटी बहन है। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की मुखिया है, नहीं उनकी दासी है, बल्कि उनकी एक छोटी बहन है, क्योंकि एक नवीन सामाजिक विज्ञान है, एक नया विषय है जो संपूर्ण समाज का समग्र और सामान्य अध्ययन करता है। इसका परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रीय है और ये वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, इसलिए हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है।